तो की हाल चाल मेरे मित्रों, तो स्वागत है मेरे इस एक और ब्रांडेड और न्यू गेम प्ले की सीरीज में। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई इस गेम में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब क्रीपर हो चुका है, क्योंकि भाई इस क्रीपर के ने ना भाई मेरे को, सच्ची कह रहा हूँ, दो बार बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करवाया, और सच्ची मुझे इससे नफरत हो चुकी है, इसलिए मैं इसे भाग रहा हूँ। भाई एक बार और फटेगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो हाँ, तो ये मैंने पहनाया था एक बहुत बड़ा शिप फार्म जो बहुत छोटा था, लेकिन अब मैंने बहुत बड़ा कर दिया इसको। और मैं चलो इसके अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या इसमें चीज़ें हैं। और हाँ, अगर आप तक वीडियो लाइक नहीं की फटाफट से लाइक करो, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट किया करो ब्रम, ताकि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेट होगूँ और भी अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँ। तो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कमेंट में बताओ भाई कि मैं ना नेक्स्ट फार्म क्यों बनाऊँ। और हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मैंने काफ़ी सारे बंदू लोगों को कमेंट पढ़ा था, पर मैंने वीडियो में बता नहीं पाया। तो काफ़ी सारे बंदू ने बोलता भाई फ्री फायर खेलो, तो भाई फ्री फायर खेलेंगे, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा मुझे फ्री फायर, ठीक है, बट फिर भी ट्राई करेंगे। और काफ़ी सारे बंदों ने बोला था भाई स्लाइम फार्म बनाने प्लस अपने वर्ल्ड में एक बड़ा सा विलेज बनाना, तो ये सब करेंगे, थोड़ा सा अभी टाइम दो, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों में बिजी हूँ। तो हाँ, वैसे भी मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, तो इस बीच में थोड़ा सा बिजी रह रहा हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा टाइम आने के बाद मैं सब कुछ सेट आउट कर दूंगा। और हाँ चलो मैं फटाफट से दिखाता हूँ भाई मैंने क्या बनाया। भाई लिटरली बहुत बड़ा ये फार्म है, तुम खुद सोचो, यहाँ से पूरे इधर 6 और 4, मतलब 12 12 4 16, मतलब 16 शिप्स हैं, एंड 16 शिप्स एक साथ अपना वो लेती हैं, मतलब तुम खुद सोच सकते हो कितना बड़ा फार्म है। मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाना भूल गया था, यहाँ पे टॉर्च लगाना पड़ेगा अंधेरा होकर। तो हाँ, ये मैंने बनाया था ऑफलाइन वीडियोज़ में, मैं बोला कि यार ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने बोला चलो ठीक है इसको ऑफलाइन वीडियो बनाते हैं और बाकी आगे देखते हैं। ओके लेट्स गो। तो आज का मेन मोटिव है, अपने को जाना है एंशिएंट डेवल्स माइन करने। भाई जी हाँ, आज अपन जाएंगे एंशिएंट डेवल्स माइन करने, और पिछली बार जो हमने गलती की थी वो हम कोई गलती नहीं करने वाले थे। तो लेट्स गो, मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो भी चलो दिखा देता हूँ। भाई सबसे मेन अपने को TNT चाहिए, जो कि अपने पास है नहीं, इसलिए हम लेके जाने वाले हैं वूल। जी हाँ गाइस, हम बढ़ाएंगे बेड और फोड़ेंगे नेदर में, ठीक है। मजाक करो, तो हाँ ये मजाक नहीं भाई, मैं सच्ची ले जाने वाला हूँ वूल, क्योंकि वूल्स की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और आई थिंक 3 इनफ होता है। तो काम करते लगे तो मुझे लकड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मेरे पास लगभग एक स्टैक पड़ा हुआ था, ओके पड़ा हुआ है, तो एक स्टैक ये लेते हैं। और मुझे थोड़ा बहुत पोशन स्वीशन की जरूरत पड़ेगी, चलो फटाफट से वो सब बना लेते हैं और मिलते हैं 2 मिनट के अंदर। वैसे यार मेरे पास सामान तो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, बट मेरे को ग्लासेस ले छोड़ो यहाँ भाई, मेरे पास वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ग्लासेस पड़े हुए हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं उड़न खटोले से। ओके गाइस, अपन उड़न खटोले से उड़ते हुए यहाँ पे आ चुके हैं, एंड लेट्स गो। चलो फटाफट से यहाँ पे बनाते हैं अपना जितना भी वो अपना पोशन से, जैसे अपने को चाहिए फायर रिसेंट पोशन प्लस अपने को यहाँ पे मेरा ग्लास, हेलो ग्लास बहुत कम भाई, यहाँ पे कम से कम 6 पड़ा हुआ है, चलो 6 इनफ है, बट फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा मुझे, और थोड़ा बहुत पोशन ऑफ स्विफ्टनेस बनाना पड़ेगा। चलो फिर फटाफट से बना के मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। और हाँ, अगर रेसिपी नहीं पता तो या फिर नहीं दिखाते भाई, तुम लोग देखो कैसे कैसे बनाते हैं भाई। कायदे से आपको चाहिए एक ब्रीविंग स्टैंड मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें ब्लेज रोड डाल देना, ब्लेज रोड पाउडर, ठीक है, उसका जब ब्लेज पाउडर बनाओगे तो डबल हो जाएगा, तो उसको इसमें कैजुअली डाल देना। और मैं यहाँ से सुबह शुगर केन ले लेता हूँ, 2 या फिर 3 इनफ रहेगा, 3 अच्छा रहेगा, ओके 3 ये ले लेते हैं। और मैग्मा क्रीम मेरे पास इधर था, ओके यहाँ पे मैग्मा क्रीम है, और ग्लासेस, ग्लास नहीं है ब्रो, मेरे को ग्लास थोड़ा बहुत मतलब बोल्टर बना कर आना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि नहीं दिख रहा भाई इसमें भी, ओके भाई ज़्यादा है ही नहीं भाई, हेलो ओके फाइन, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओके तो मैं थोड़े थोड़े से ग्लासेस लेके आ चुका हूँ, अब एक काम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, देख मैं पानी तो भरा ही नहीं मैंने भाई, बोतल में पानी भरना रहता है ब्रो। ओके मैं ये काम करता हूँ, ये वाला भी बोतल लगे हाथ ले लेता हूँ, कहाँ गया, इसमें नहीं था, इसमें था ना, ओके यहाँ पे ये भी 6 बोतल मैंने एक्स्ट्रा उठा लिया। अब मेरे पास टोटल 26 हो चुके हैं, लेट्स गो पानी इसमें भर के लाते हैं भाई। ओके तो मैं पानी बाहर से भर के आ चुका हूँ, और एक काम करते हैं यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं, और एक काम करते हैं मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्वार्ट्ज़, नेदर क्वार्ट्ज़ की, सॉरी क्वार्ट्ज़ बोलने वाला था मैं। ओके तो सबसे पहले अपना जाएगा यहाँ पे 3 बोतल, ठीक है, 3 बोतल डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना जो ये नेदर क्वार्ट्ज़ है, इसको एक डाल देना, ठीक है। और यहाँ से मुझे मैग्मा क्रीम उठाना पड़ेगा, और एक और ब्रूइंग स्टैंड काम करते, इसको भी लगे कहाँ पे, इसको शिफ्ट कराएं ऊपर, यहाँ पे ठीक रहेगा, ओके फाइन, ये जगह भी अच्छी उतनी बुरी नहीं है भाई दिखने में, ओके फाइन। तो काम करते हैं इसमें का जितना भी एक सॉरी ये ब्लेज पाउडर है इसको यहाँ पे डाल देते हैं, इसको यहाँ लगाएंगे, ये एक्टिवेट हो गया। अभी काम करते हैं इसमें भी लगे, इसमें डाल देते हैं नेदर वॉट, इसमें 3 वाटर बोतल, ताकि अपना ये मतलब पोशन ऑफ मतलब ऑकवर्ड पोशन या फिर पता नहीं कौन सा पोशन वो बन जाए,
ऑकवर्ड पोजीशन होता है, पता नहीं, वो बन जाए। और एक काम है, शुगर केन डाल देता हूँ, और एक में डाल देंगे अपना ये क्रीम। अरे एक मिनट, पहले स्विफ्टनेस वाला पोजीशन बना लेते हैं। हाँ आई थिंक ओके, लगभग मेरा ये पोर्शन ऑफ स्विफ्टनेस वाला काम कंप्लीट होने वाला है, फटाफट से हो जाए। मैं इसमें एक में डाल दूंगा, एक में रेड स्टोन डाल दूंगा, एक में ग्लो स्टोन डाल दूंगा। देखो तो अपना ये ग्लो स्टोन वाला लगभग होने वाला है। इसमें अपना मतलब स्पीड इसकी बढ़ जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। देखो इसका स्पीड 2 है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसका रेंज कम है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा इसका वो टाइम कम है, ठीक है। और इसमें का ना स्पीड ज़्यादा, स्पीड कम होगा और टाइम ज़्यादा होगा। मतलब देखो इसमें दो दो ही फायदे हैं इसके। ओके तो ये 8 मिनट का बन चुका है। अब मैं कुछ यहाँ से मैग्मा क्रीम और पानी वानी सब की जरूरत पड़ेगी, तो लेट्स गो। फटाफट से मैं सारे पोशन बना के मिलता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि कायदे से आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा पोशन कैसे बनाते हैं ब्रो। वैसे एक पोशन नहीं बनाने सिखाया मैंने, वो अपना ये मैग्मा क्रीम वाला पोशन, मतलब फायर एसेंट पोशन। तो कैजुअली आपको चाहिए यहाँ से थोड़ा बहुत नेदर वर्ड। पहले इसमें ब्रिविंग स्टैंड में अपना पानी डाल देना, इसमें ब्लीच पाउडर डाल देना, और यहाँ से आपको जरूरत पड़ेगा अपना एक एक मिनट एक्स्ट्रा नहीं है भाई, मेरे को यहीं से लेना पड़ेगा एक नेदर वर्ड, ठीक है, सिंगल एक नेदर वर्ड। और इसके अंदर कैजुअली आपको इसमें डाल देना, ठीक है, ताकि ये ऑकवर्ड पोजीशन बने। और भाई यहाँ पे मॉन्स्टर है भाई, मेरे को सोने नहीं देंगे लग रहा है वैसे जगा कर रखेंगे रात भर, और पता नहीं किसी विलेजर को यहाँ पे सोने का मन हो रहा है। ओके तो जब तक वेट कर लेते हैं, और मैं थोड़ी बहुत चीज़ें इकट्ठे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेड स्टोन डस्ट ले लेता हूँ अलग, यहाँ यहाँ पे अपना मैग्मा क्रीम डाल देता, ताकि अपना जो मैग्मा क्रीम है ये मैंने फायर स्टोन पोशन, और इसके बाद डालना है आपको अपना रेड स्टोन डस्ट, जिसकी वजह से अपना बन जाएगा 8 मिनट का फायर रेजिस्टेंट पोशन। तो लेट्स गो बनाते हैं। वैसे यार इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को। और वैसे अपने को अभी जाना भी माइनिंग पे, तो चलो फिर पहले फटाफट से इसको बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके तो अपने ये फटाफट से पक जाएगा, इसके बाद निकलते हैं भाई अपने नेदर में। ओके तो गुड मॉर्निंग गाइस, अपना गुड मॉर्निंग मस्त वाला हो चुका है, तो अपन चलते हैं अब नेदर में। और मेरे को इसमें से कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक नहीं जरूरत पड़ेगी भाई, अपने पास सब कुछ है, ठीक है, कुछ तो पड़ेगी नहीं, छोड़ो भाई अपने चल निकलते हैं यहाँ से। तो मित्रों वो घड़ी आ चुकी है जब अपन जाने वाले हैं नेदर में, तो लेट्स गो चलते हैं अंदर। आ चुके हैं बाहर, फाइन। अब एक काम करते हैं, कहीं से एक एरिया बनाते हैं जहाँ से अपन को नीचे जाना होगा। चलो फिर फटाफट से बना के मिलते हैं। बस यार इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट ठीक है फाइन, अपन वो जल्दी जल्दी बनाएंगे, ताकि अपने को थोड़ा सा कम टाइम लगे और अपना काम जल्दी से निपट के और अपने घर भी निकले, क्योंकि भाई अपने को जल्दी जल्दी अपना जो पूरा सामान है ना उसको नेदरराइट में कन्वर्ट करना है भाई, दैट्स वाई अपन जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, तो लेट्स गो चलते हैं। वैसे यार मुझे कहीं जगह तो दिख नहीं रही है भाई, काम करता हूँ मैं यहीं से कैजुअली एक टनल बनाते हुए चलते भाई, एक सीढ़ी टाइप का, ताकि अपन यहाँ से जल्दी आ सके और जा सके, ठीक है, तो लेट्स गो फटाफट से टनल बनाते हैं और निकलते हैं नीचे। ओके फाइन, अपन तो नीचे आ चुके भाई, अब मेरे को एरिया ढूंढना पड़ेगा कि अपन कहाँ से माइनिंग स्टार्ट करें, ठीक है, तो कैजुअली काम करते भाई। देखो यहाँ पे लावा भी है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, बट ठीक है एक काम करते हैं, यहीं से माइनिंग स्टार्ट करते हैं और एकदम स्ट्रेट डिग करेंगे। तो लेट्स गो चलते हैं। कम से कम मुझे माइनस माइनस नहीं मतलब माइनस जिंदगी नहीं, मेरे को 12 पे जाना पड़ेगा, कम से कम 12 पे। और बस भाई यहाँ पे लैडर लगा के चलते हैं फटाफट से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो मैं थोड़ी वीडियो को आगे कर दूंगा। लेट्स गो। ओके फाइन, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लेडर्स लगा लेता हूँ, क्योंकि लेडर्स की जरूरत पड़ेगी मेरे को ऊपर जाने के लिए। एक मिनट, ओके फाइन, अब हो चुका है मस्त वाला। अपन चलते हैं अब यहाँ से डिग डाउन, एकदम स्ट्रेट डिग करेंगे भाई, ठीक है। और अपने को कम से कम देखो कायदे से मुझे कोई आइडिया तो नहीं है, बट यहाँ पे ढेर सारा सामान, फालतू सामान पड़ा भाई, मेरे को मतलब सारे विलेज को इन सबको मारना पड़ा, ठीक है, तो भाई पहले दिन पहले टाइम पे ही लावा। ओके फाइन, कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं एकदम स्ट्रेट डिग डाउन करते हुए चलते हैं, और कम से कम 1000 ब्लॉक तक तो जाएंगे, ऑफिशियली 1000 ब्लॉक तक जाएंगे, तो लेट्स गो चलते रहते हैं और 1000 ब्लॉक में मिलते हैं आपको। भाई यहाँ पे पहला टाइम पे इंसेंट डिवरीज मिल गया भाई, पहला इंसेंट डिवरी अपने को मस्त वाला मिल चुका है, लेट्स गो। ओके भाई, ओके भाई इन्वेंट्री में स्पेस नहीं, ओके ये फालतू सामान फेंक, अरे नहीं 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 गड़बड़, ओके फाइन अब ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा क्या, शायद नहीं ना, मैं एक ही मिला हुआ मेरे ख्याल से। ओके फाइन, एक काम करते हैं अब आगे स्टेट डिग डाउन करते चलते भाई, और डायरेक्ट अपन 1000 ब्लॉक पे मिलते हैं, क्योंकि भाई अपने को ना बहुत टाइम लगने वाला है इसमें करने में, तो लेट्स गो मैं 1000 ब्लॉक पे मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर।
ओके गाइस, तो लंबे एक अरसे के बाद अपन 1000 ब्लॉक दूर आ चुके हैं। और भाई कितना सारा माइंड किया मैंने, तुम खुद देख सकते हो। और मेरे को ढेर सारा एंशिएंट डेबरीज सब कुछ मिला भाई, लिटिल बाय जाक सर के मुझे कम से कम 11 एंशिएंट डेबरीज में रास्ते मिल गया भाई। और मैंने पूरी पूरी नहीं डाली क्योंकि भाई ऑलरेडी ये 2 से 3 घंटे की वीडियो बनी है, तो भाई मैं इसमें पूरी पूरी वीडियो तो डाल नहीं सकता, शॉर्ट कर करके डालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई बहुत शॉर्ट किया हूँ। और चलो फिर फटाफट से बम फोड़ते हैं और फिर एंशिएंट डेबरीज माइन करते हैं भाई। ओके लेट्स गो। अपना सबसे पहला बम फूटने वाला है और ये बूम हो गई। देखते हैं भाई अपने को मेंशन पहले लावा। भाई किस्मत नहीं खराब कैसे हो सकती है ब्रो। एक काम करते हैं, इस लावा को बंद करते हैं, तेरी भैंस की रंग लावा कहीं के चुपचाप निकल ले, क्योंकि ऑलरेडी मैं परेशान हूँ अपने एंशिएंट डेबरीज को लेके। भाई कोई मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी पता। ओके ओ फाइनली ब्रो, किस्मत नहीं चाहिए भाई, अपने को पहले टाइम पे एंशिएंट डेबरीज मिल गया। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके थोड़ा पूछ जा भाई, मेरे को एंशिएंट डेबरीज लेने जाना है। ओके इसको माइन करते देखते हैं अपने को कितना मिलता है यहाँ पे। एक मिला, फिर दो, एक दो तो ऐसे दिख रहे कायदे से, खास 3 की मैनो। आई होप दैट मतलब कायदे से 3 तो मिलता है भाई हमेशा, 3 नहीं मिलेगा लग रहा। ओके अब सेकंड बारी है, अब सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसे लगातार मैं फोड़ने वाला हूँ। तो भाई ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, दैट्स वाई मैं पूरी पूरी नहीं दिखाने वाला हूँ, बहुत कम दिखाने वाला हूँ। और आग लग गया। ओके एक काम करते पोशन पीते भाई, अब मेरे को थोड़ा सा जलने मिलने का कोई शौक नहीं पड़ा। ओके फाइन, तो मैं सारे सारे एंशिएंट डेबरीज मिलता हूँ माइन करके 2 मिनट के अंदर। वैसे 2 मिनट तो नहीं लगने वाला ऑफिशियली, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जितना वूल है ना उसके हिसाब से बहुत टाइम लगने वाला है। चलो फिर बम फोड़ते हैं और फिर एंशिएंट डेबरीज माइन करते हैं। ओके भाई लगभग मैंने अब तक 47 अब मतलब कर लिया कम से कम इकट्ठे। और भाई आई थिंक मेरे पास एक स्टैक तक हो सकता है, लेट्स सी प्लीज़ ब्रो शायद हो जाए। ओके फाइन, ये अपना लास्ट था पर अब ख़त्म हो चुका है। ओके और देखते भाई यहाँ पे क्या मिलता है, अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है। ओके फाइन, शायद यहाँ पे ना मिलने के चांसेस हैं। ओके तो मैंने पूरी जगह देख लिया बट यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा ब्रो, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके फाइन, मेरे पास आई थिंक 47 है और मैं थोड़ा बहुत ना ऐसे कैजुअली माइंड करते हुए जाऊँगा अब घर को निकलते, क्योंकि भाई अपने पास ढेर सारा क्वार्ट्स और एंशिएंट डेबरीज सब कुछ हो चुका है। तो यार गाइस मैं सोच रहा अब चल रहे हैं तो लगे आते काम करते हैं ना, साइड में किसी साइड में एक साइड में माइंड करते हुए चलते ऐसे कैजुअली, ठीक है क्या पता एक दो ऐसे मिल जाए। तो अपने पास मतलब थोड़ा बहुत कम है बस एक स्टैक होने में, एक स्टैक हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट ठीक है ज़्यादा लालच करना बहुत गलत बात है। तो लेट्स गो चलते हैं घर को। ओके फाइन, तो मैं आ चुका अपने नेदर पोर्टल के पास भाई, लगभग बस मेरे को एक ही मिला वहाँ पे। रास्ते में ऐसे कैजुअली माइंड करते हुए तो एक मिल गया, मतलब अच्छी बात है भाई एक मिला मेरे लिए इनफ है, उतना बड़ी बात नहीं है बट ठीक है इनफ है ब्रो। ओके लेट्स गो चलते अपने वर्ल्ड में और अपने को बनाना है अपना आर्मर नेदरराइट का। ओके तो काम करते हैं पहले पूरा पूरा सामान शिफ्ट कराते हैं, इसमें मेरे तो सारा पोशन है, तो पोशन फॉर्चून में हम लगाएंगे भाई अपना वो नेदरराइट वाला और रेड स्टोन रेड वाले ब्लॉक्स में। ओके फाइन, इसमें पूरा नेदर वार्ड। चलो फिर फटाफट से नेदर वार्ड को इकट्ठा करते हैं भाई और डालते हैं एक चेस्ट में। ओके तो फाइनली भाई लोग अपन पूरा 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 सामान शिफ्ट कराने के बाद अपन आ चुके हैं इसमें, और इसमें अपन डाल देते इतना मतलब स्मेलिंग के लिए। और मेरे को वहाँ पर लॉक डालना पड़ेगा, मतलब इस प्लैंक डालना पड़ेगा, अपने पास लॉक नहीं है भाई। नहीं ये काम करते हैं एक और डाल देते हैं, एक और स्टैक एक और मतलब प्लैंक्स डाल देते हैं। ओके फाइन, तो अब थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं भाई अपने पकने में कितना टाइम लेता है, उसके बाद पूरा पकने के बाद मिलता है 2 मिनट के अंदर। तब तक आप लोग वीडियो फटाफट से लाइक कर लो, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो लगे सब्सक्राइब भी कर दो ब्रो, और लगे कमेंट भी कर दो। कमेंट करने में फ्री है भाई, सब कुछ फ्री है तो तुम कर दिया करो। ओके फाइन, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम देकर और भाई हट जा भाई, क्या दे रहा है गू खा ले। ओके फाइन, तो 1 मिनट ठीक है दे रहा है भाई। ओके फाइन, काम करते हैं पूरा ट्रेड कर दे भाई, तब तक मतलब अपना स्मेल्ट होते रहेगा ट्रेड हो जाएगा और फिर पूरा भाई सामान दे दे। ओके फाइन यार ये तो अब ज़्यादा नहीं देगा, बहुत कम है। ये काम करते हैं इसके अंदर सौ बहुत निकाल दें, यहाँ पे पड़ा हुआ था। ओके फाइन पड़ा तो है, ओके ये भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। एंड भाई तुझे ट्रेड करना ही पड़ेगा, किधर का ये ला उठ मुन्ना चुपचाप ले लो
अपना सड़ा हुआ मांस, अपने को एमराल्ड। ओके फाइन, तो इसको एक काम करते हैं, एमराल्ड सबको शिफ्ट कराते हैं ऑफरोड से, अपना लेते हैं एंशिएंट डेब्रिस, आई मीन नेदर स्क्रैप बोलते हैं ना, पता नहीं उसको नेदर स्क्रैप बोलते हैं थ्रू ऑर्डर, उसको लेते हैं और फिर चलते हैं उसको नेदर में बना के और अपने आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट करने। तो लेट्स गो, आई थिंक अब तक पक चुका होगा। ओके पक चुका है भाई पूरा। ओके फाइन, इसमें 24 है और इस वाले में 24, टोटल 48 हो गया। ठीक है, टोटल 48 अपने स्क्रैप हैं। लेट्स गो, इनको कन्वर्ट करते हैं इंगट में। भाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पहले थोड़ा सा अच्छे निन्नी कर लेते हैं ब्रो, क्योंकि निन्नी करने भी बहुत ज़रूरी होती है। ओके फाइन, अपन उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, और यहाँ से लेते हैं ये वाला भाई। हेलो भाई, मेरे पास गोल्ड, ओके आई थिंक ओके फाइन हो जाएगा भाई, मेरे को लगा हो ही नहीं पाएगा, पर ओके फाइन भाई। 12 भाई, 12 ओह शिट, मजाक के ब्रो, 12 बहुत ज़्यादा इनफ होता है, मतलब 4 अपने आर्मर के लिए, 3 मतलब 7 भी इनफ होता है, बट ठीक है भाई, 12 अपने पास बहुत मस्त है, वो चीज़ है भाई, अपॉर्चुनिटी है। अपन चलते हैं फटाफट से इसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर भाई पहनते हैं इसको, लेट्स गो भाई। इधर ही कहीं था यार, हट जाओ भाई साइड होकर, ये वाला अपना स्मिथिंग टेबल, और भाई लेट्स गो। सबसे पहले अपना आर्मर पूरा उठाते हैं और इसको करते हैं नेदराइट में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स गो भाई। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और अपना क्या नेदराइट इंगट, ये पहला क्या चेस्ट, दूसरा, तीसरा ये, और चौथा अपना लगेज। ओ भाई फाइनली ब्रो, अपन पहनने वाले हैं नेदराइट का फुल्ली आर्मर, इंचेंटेड भाई, खतरनाक। अभी अपन गॉड बन चुके भाई। अब लग गया था अपने अपने ओपी स्वॉर्ड्स को, ओपी पिकैक्स को और एक्स को, लग गया था इनको भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो नहीं करना चाहता, बट ठीक है, कर लेंगे, थोड़ा सा अपने पहले फ़ायदेमंद होगा। तो पहले जाएगा अपना स्वॉर्ड मस्त वाला, पिकैक्स कर दे पहले, फिर देखो। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज भाई कि एक्स को करे कि नहीं करे, बट कर देते ब्रो, अपने ही फायदे होगा। ओके लेट्स गो, अपने पास अब लगभग 5 बस इंगट बचा है, मतलब 5 भी बहुत ज़्यादा नहीं होता ब्रो, आपको पूरा एक आर्मर इंचेट कर दे सकता है। लेट्स गो, बंद हो गया ना भाई। ओके फाइन, ओ भाई अपने पास आ चुका है मस्त वाला एक इंचेंटेड भाई, पूरा फुल्ली एकदम मिला देता। पड़े कुत्ते कितना आराम है भाई, तुम देख रहे हो भाई मेरे बगल में आके फूट रहा भाई, इनको मेरे घर से क्या दुश्मनी है भाई, जिसको देखो मेरे घर के आगे फूटता है भाई। ओके तो फाइन गाइस, अपन कन्वर्ट हो चुके हैं पूरी की पूरी नेदराइट आर्मर में, और पूरे भाई एकदम खतरनाक थे, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपना पूरा आर्मर भी, और प्लस वेपन्स भी ब्रो, तुम देखो कितना पावरफुल अपन बन चुके भाई, अपने को कोई मार मुर के जाए भाई कोई, हाँ इलाइटा अगर पहन ले तो थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा, बट ठीक है अपन बन चुके एकदम पावरफुल, मतलब गॉड लेवल वाले पर्सन। ठीक है, तो आप लोग एक वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हाँ, आप मुझे कमेंट बताना कि आपने मैक्स कितना एंशिएंट डेब्रिस फाइंड किया था अपने वर्ल्ड में, ठीक है, तो जरूर से बताना। और चलो फिर बाय बाय, मुझे कोचिंग नहीं करना ब्रो, क्योंकि मुझे अपना ट्यूशन भी अटेंड करना है। चलो फिर बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं आज कोशिश करूँगा कि एक शाम को वीडियो डाल दूँ, क्योंकि शाम को वीडियो नहीं डाल पा रहा भाई, ये मेरे लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि मेरे बंदे चाहते हैं, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि भाई मैं शाम को वीडियो डालूँ, बट नहीं डाल पा रहा, तो चाली मैं थोड़ी जबान खिला जाली मिली छू मना मुनापंदी कर रहा भाई। ओके चलो फिर बाय बाय, और ये बिल्ली क्या करिए भाई।